सो गाइस आज मैं बिग बॉस की कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आज बस मैं मुंह से बोलूंगा, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली थी तो फिर मुझे दोबारा एडिट करनी पड़ गई। उन्होंने भाई ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं बिग बॉस वाले, तो इसलिए भाई मैं आज मुंह से बोलूंगा। तो रात में क्या हुआ, रात में ना मनीषा भाई किस कर रही, उसे मतलब किस करने की कोशिश कर रही थी गाल पे, तो एलिस ने ऐसे कर रहा यार जा यार जा, तो मतलब ना भाई बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो गया उस टाइम भाई, हम भी देख रहे हैं हंस रहे। तो ये तो आप कहीं भी चेक कर लेना, बिग बॉस का एपिसोड में चेक कर लेना यार, बट मैं आपको मुंह से ना समझा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन था, मैं यार मेरा अपलोड करने का तो मन है पर वो ना ब्लॉक कर देते हैं यार वीडियो, तो फिर इसलिए मैं डाल नहीं रहा, तो भाई दिक्कत ना हो जाए ना वीडियो वीडियो में इसलिए। और उससे पहले क्या हुआ, कल हंसरी फिर ना उसे ना प्रपोज करते दोबारा एलविस को, तो एलविस हंस रहा भाई, तो हंसे गई, तो एलविस ने बोला नहीं यार हम ना सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैं सिर्फ तेरा पक्का दोस्त हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं तेरे को बाहर भूल जाऊंगा, मैं बाहर तुझे मिलूंगा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, तो तू ऐसा कुछ सोच मत, क्योंकि बाहर मेरी बंदी है, वही मतलब कीर्ति मेहरा के लिए बोल रहा था, कीर्ति मेहरा तो उसकी बंदी है, ठीक है, तो सबको पता है, ठीक मतलब देखो अब अलग हो गए कीर्ति मेहरा और ये नहीं पता, अभी तो सीन सबको यही पता है कि ये दोनों अलग हो गए हैं, अब रियलिटी में तो अलग हो गए होंगे, बट क्या कहते हैं देखो मन में तो है ना, एलविस को ये पता है कि कल को कीर्ति मेहरा मेरे पास अगर वापस आया तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं होना ना कि मैं मेरे को हर जगह मुंह नहीं मारना, इसलिए उसने बिग बॉस में भी ऐसा दिखा रखा है कि मेरी बाहर बंदी है, ठीक है ना, कि कल को अगर मैं बाहर उससे जाके मिलूं या कुछ ऐसी बात हो तो मैं एकदम रियल दिखूं, ठीक है, और रहूं, तो इसलिए उसने बहुत अपने आप को हॉनेस्ट दिखा रखा है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही हूं, इसलिए मेरे से कुछ मत रखो अपने मन में। बट उसने बोला कि जेड के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसी फनी वे में फ्लर्टिंग करती थी। फिर उसने बोला, मनीषा ने एक चीज बोली कि मैं अपने पापा की कदम खा रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसने ना फिर भाई वो ना एकदम शाय हो गई मनीषा, फिर उसने बोला उसे आई लव यू, और भाई एलविस हंस हंस के पागल, भाई मजा आ गया भाई देख के, कल वाला ना कल वाला एपिसोड देख के मजा आ गया, मेरा मन तो है इसमें मैं कर दूं अपलोड, वो थोड़े थोड़े क्लिप पर यार भैया ना वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर मैं क्या करूं, इसलिए मैं करता नहीं, मैंने बोला चलो छोड़ो अपने मुंह से बोल दूंगा, क्योंकि मुझे याद है मुझे क्या क्या बोलना है ना ये सब चीजें। और ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मेन जो थंबनेल है, थंबनेल देखना, थंबनेल में सब कुछ डाल दूंगा, जो अंदर अंदर सीन हुआ था भाई एक नंबर लगेगा तुम्हें, पर हाँ भाई सीन सारा यही था, ठीक है, तो उसने उसको आई लव यू बोल दिया दोबारा, और मेरे को पता क्या लग रहा है, अब वो हर बारी बोलेगी, मतलब वो एक बार खुल चुकी है और वो हमेशा हर बारी उसको बोलेगी खुल के, मुझे तो जहां तक ऐसा लगता है, ठीक है, मजा आ गया देख के भाई कि अब सबको पता लग गया। और ना मीम पेज में भी मनीषा और एलविश को ना मतलब एक वैसा प्यार वाला हार्ट बना के ना ऐसा कुछ फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो चीज देखने में भी भाई मजा आ रहा है, तो रील में भी इन दोनों की आ रही है एलविश और उसकी मनीषा की, मेरे को भाई ये सोशल मीडिया वाली लाइफ में जो लव स्टोरी होती है ये बेकार लगती है, ये मुझे कुछ हद तक शायद फेक लगती है, मतलब ये जो टीवी में जो आता है ना बिग बॉस, ऐसी वाली लाइफ में अगर लव स्टोरी चलती है तो मुझे शायद लगता है कि ये फेक है, वैसे बहुत ही चल जाती है पर लगता है, देखो मेरा ऐसा मानना है, मेरे को ऐसा फेक लगता है इनकी लव स्टोरीज, जैसे ये बिग बॉस में गए हैं, बिग बॉस में प्यार व्यार तो मुझे लगता नहीं है कि रियलिटी में करेंगे, एक साइड बंदा अच्छा होता है, बंदी के मन में क्या चल रहा होता है पता नहीं, पर बंदा अपनी जगह सही होता है, पर बंदी के मन में क्या ऊट पटांग चीज आती है वो तो हमें भी नहीं पता, पर बंदा अपनी जगह सही होता है, कभी कभी बंदा भी गलत होता है, पर अभी एलविस अपनी जगह सही है, पर मनीषा के मन में देखो उसके लिए प्यार तो है, बट वो कैसा प्यार है, वोटिंग वाला प्यार तो नहीं है कि मैं इससे प्यार कर बैठूंगी, मतलब इसके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगी तो इसके जो फैन होंगे वो मेरे को भी सेव करेंगे वीकेंड के वार में, ठीक है, तो इस चक्कर में बहुत अभी क्या है ना, जिया भी ये खेल रही है फुकरन संग साथ, सबको पता सब यही बोल रहे हैं कि जिया इसीलिए रिलेशनशिप में आना चाह रही है फुकरन संग के साथ कि उसके फॉलोवर अच्छे हैं, उसकी वोटिंग अच्छी आती है, तो इसीलिए शायद हो सकता है मनीषा भी ये गेम खेल रही हो, तो और एलविस अपनी जगह भाई सही है, उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई मेरी तो बाहर बंदी है तो मैं ऐसा कुछ गलत ना करूंगा ना दिखाऊंगा, बाकी तू अपने मन से ये निकाल दे, अब मैं तेरा दोस्त हूँ बहुत अच्छा वाला, बाहर भी मैं तेरे से मिलूंगा, अपन घूमेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट अपने मन से ये निकाल दे, तो भाई अब वो ना रोज ना एलविस से ना फ्लर्टिंग करती है, अब कल रात को कर रही थी वो ना सो मतलब सब सो गए थे, तो उसके बेड जाके ना
उसको किस करने की हक करने कर रही, तो एलविस ऐसा हो गया ऐसे, अरे जा यार एकदम से जेड की नींद खुल गई। जेड उस पर ना मतलब शाउट हो गया, गंदा वाला चिल्ला रहा चीख रहा, तो उसके सर में ना हो रहा था दर्द। तो अब उसको ना वैसा लगा कि यार ये खिचवी खिचकी आ जाएगी, उसने जाके सो जाइए वो बता दिया उसे। फिर जाके वो आराम से ना कहीं साइड में बैठ गई। फिर फुकरान चाहना उसने बोला कि तेरी गलती है, तो अपनी गलती मान कि वो आराम से सो रहा था, उसके सर में हेड एक हो रहा है और तू फिर ऐसे हल्ला कर रही है रात में, ये चीज सुबह करना दोपहर में कर, बस इतना ही था ठीक है। और ये भी 6-7 मिनट की वीडियो मैंने खींच दी होगी, क्योंकि बातें सारी मेरे पास थी इसलिए मैंने खींच दी ठीक है ना, क्योंकि मैं देख के आता हूँ सारा एपिसोड, इसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ ठीक है भाई। और आप थंबनेल देखना, थंबनेल इतना तगड़ा बनाऊंगा, जो अंदर वीडियो में था ना वही बनाऊंगा। और ये वीडियो को समझना और ध्यान से समझना ठीक है, आपको एपिसोड देखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आपको एक्यूरेट समझा रहा हूँ जो एपिसोड में हुआ था ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। और भाई साहब देख रहा है भाई, एक नंबर हो रहा है, ये कितने इंच का हो गया होगा पता नहीं। बाकी भाई मजा आ जाएगा तुम्हें ठीक है, और वीडियो लाइक करो शेयर करो और बिग बॉस OTT देखो, और एलविश यादव को वोट दो भाई ठीक है, उसे जिताना है। और पूरा गोलगांव जाम हो जाएगा एयरपोर्ट तक, उसने बोला था ना जब मैं जीत जाऊंगा तो आप अपने मैप में चेक करना, आपके घर तक और मैप तक पूरा लाल 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 वो आएगा, मतलब इतनी गाड़ी होगी और उतनी गाड़ी आएंगी मैं श्योर हूँ ठीक है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जतिन लटवाल ब्लॉग्स में, तो सो वही बाय ठीक है, और लाइक जरूर और शेयर भी सब्सक्राइब बाय।